सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। सुप्रीम फटकार। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई तो थी दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण पर, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट आपा खो बैठा और उसने एक साथ केंद्र सरकार, केजरीवाल सरकार और नौकरशाह तीनों को निशाने पर लिया। कोर्ट की मंशा साफ थी कि जितना प्रदूषण हवा में फैला हुआ है उससे कहीं ज्यादा सरकारों और उनके नौकरशाहों पर छाया हुआ है। केंद्र सरकार के वकील की 21 तारीख को मौसम बदलने के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि आप सब हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, प्रदूषण रोकने के लिए आप सबके पास न तो कोई एजेंडा है न प्लान है। कोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार के तालमेल पर भी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि आप दोनों में आपसी तालमेल की कमी है तो प्रदूषण पर लगाम लगेगी कैसे। दरअसल कोर्ट मंगलवार को हुई केंद्र और पांच राज्यों की बैठक के बाद भी कोई फुल प्रूफ प्लान पेश न कर पाने को लेकर नाराज हो गया और केंद्र से वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर सवाल पूछ लिया, जिस पर केंद्र ने गाड़ियों और कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी करने का कोर्ट को भरोसा दिया है। उधर कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने भी आनन फानन में कुछ फैसले लिए जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इसके तहत राजधानी में 30 नवंबर तक निर्माण कार्य और कोयले से चलने वाले बिजली घरों पर रोक लगाने के अलावा सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू करने समेत कई जरूरी कदम उठाए हैं। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है और परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए 1000 CNG प्राइवेट बसों को गुरुवार से किराए पर लिया जाएगा। बहरहाल 4 नवंबर से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ बढ़ रहा है। 17 नवंबर को AQI जहां 379 पहुंच गया था, वहीं 24 नवंबर को फिर सुनवाई है। यानी अगर सुप्रीम फटकार से बचना है तो इस हफ्ते केंद्र और दिल्ली सरकार को काफी मशक्कत करनी होगी। सुप्रीम फटकार, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। आम आदमी पार्टी के नेता वैभव जायसवाल साहब भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ वकील मुरारी तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आप दोनों का भी। और पटना से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मुरारी जी, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की, चाहे फिर वो केंद्र और राज्य सरकार की आपसी तालमेल की बात हो या फिर अब तक जो भी प्लान इन दोनों ही सेंटर और स्टेट द्वारा सुझाया गया या जिसको अख्तियार करने की बात कही गई हो, वो फुल प्रूफ ना तो दिखा और ना ही उसके नतीजे दिखाई दिए। अब एक तारीख जरूर दी गई है, लेकिन सिर्फ ये उम्मीद करना कि मौसम में परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, क्या इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा जा सकता है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। कॉल ऑन होल्ड। मुरारी जी से मैं एक बार दोबारा संपर्क करूंगी, ऑडियो को कुछ इश्यू है। प्रदीप जी, केंद्र की नुमाइंदगी आप करते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी करती है और नाराजगी केंद्र से भी दिखाई दी कि केंद्र कुछ नहीं कर पा रही, तालमेल नहीं बिठा पा रही राज्य सरकार के साथ में, और खास करके दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से गेंद एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं, नतीजा ढाक के तीन पात है। प्रीति जी देखिए, हम गेंद को उनके पाले में नहीं डालना चाह रहे, हम छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे कि 40,000 का सोल्यूशन पूसा से खरीदा गया जो कि पराली को फिक्स करेगा पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पे दिल्ली सरकार द्वारा। अब मैं आपको डेटा गिनाता जा रहा हूँ और कैसे कैसे खर्चा हुआ, केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका रहती है या क्या करती है। हम कुछ भी करते हो लेकिन हम ब्लेम गेम नहीं खेलते। केंद्र सरकार कभी भी ठीकरा किसी और के सर पे नहीं फोड़ती है। हम एक्सेप्ट करते हैं कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में जो बात हुई उसको केंद्र सरकार के वकील ने उसको अपना स्पष्टीकरण पेश किया। अब आप बस सुनते जाइए और समझिएगा कि इसके पहले क्या हो रहा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। 40,000 का सोल्यूशन खरीदा और उससे कितने किसान लाभान्वित हुए, 310 दिल्ली के 310 किसान उससे लाभान्वित हुए। कितने हेक्टेयर खेतों में पराली का जो है समावेश हुआ, 30 हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज बीन यूज फॉर 40,000 के उस सोल्यूशन से जो पूसा से खरीदा गया। अब आते हैं कि 310 किसान लाभान्वित हुए और इस बात का विज्ञापन कहां कहां तक हुआ पता है आपको? इस बात का विज्ञापन केरल तक हुआ।
उड़ीसा, कर्नाटक, जहां जहां चुनावी राज्य थे वहां वहां इस बात का विज्ञापन हुआ और उसमें कुल लागत कितनी आई, 16 करोड़। 40,000 का सोल्यूशन खरीद करके 16,000 करोड़ विज्ञापन में खर्चा किए गए माननीय केजरीवाल जी द्वारा, जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं। और हर बार इनकी शिकायत होती थी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, यहां तक कि माननीय जज की ये तक टिप्पणी आ गई कि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं और पटाखों से कितना, यह हर बार पटाखों या सेंटिमेंट्स पर आघात करना, इस तरह के कार्यक्रम ये लोग करते रहते हैं और कुछ न कुछ मंसूबा ऐसा बनाते हैं जिससे ठीकरे किसी और के सर पे फोड़ा जा सके। 7 वर्ष हो गए, ये जो प्रेशर है, सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो पैसेंजर व्हीकल्स के कारण से होता है, क्षणिक ट्रकों का रोक दिया जाना, क्षणिक ये सब काम किए जाना, ऊपर से बनाना जी, देखिए 1.5 साल से देश या देश की जनता जो है, हमारी जनता लॉकडाउन से परेशान है क्योंकि वो वैश्विक आपदा है, लेकिन दिल्ली की जनता 7 सालों की आपदा से परेशान है, उस पर से ये बता रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए जी तैयार हैं, मतलब हम जो हैं कुछ सकारात्मक नहीं करेंगे, ऐसा हो जिससे कि अपनी जान बच जाए। जी चारा कुछ है क्या इसके अलावा? देखिए चारा अगर केंद्र उनको सजाएगी तो इनको, देखिए कोई इनको मुंह इसने नहीं लगाता या केंद्र या कोई भी सरकार नहीं लगाती कि इनको उंगली पकड़ाओ तो ये टिटुआ पकड़ने वाली राजनीति करते हैं ये। और आज हमारे जो है आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा जी ने कहा कि जी हम यहाँ राजनीति करने नहीं बैठे हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो सम्मानित जज की जो टिप्पणी आई, उसके बाद जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर पता लगा जी इन्हें पिछली बार 40,000 का सोल्यूशन, उसको जो है बेसन, उसको गुड़ में जो है मिला करके इन्होंने किया और उससे ज्यादा का विज्ञापन किया। अब जागरूकता क्या, जागरूकता अगर दिल्ली की जनता को फैलाई जाए कि भाई साहब आपका भी काम घर से हो सकता है, छोटे छोटे कामों के लिए गाड़ी उठा के बाहर ना निकलें, इस तरह के विज्ञापन नहीं होते, उस तरह के विज्ञापन होते जो अखबारों में निकल जाते हैं जी, उठा करके बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके बड़ी बड़ी, किया कुछ नहीं, जो हुआ उसका ठीकरा उठा उठा करके फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रदीप जी आप बाकी तमाम दलीलें दे रहे हैं, विज्ञापन की बात से मैं इत्तेफाक रख सकती हूँ कि ठीक है उन्होंने सामान तो थोड़ा लिया लेकिन विज्ञापन में बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन ये तमाम दावे या फिर ये तमाम आरोप लगाने से क्या इस वक्त जो वर्तमान में दिल्ली NCR की स्थिति है, यहाँ सिर्फ बात दिल्ली की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली NCR की जिसका दायरा बहुत बड़ा है, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की बनती है? यही तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है ना, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तालमेल है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, और ये तालमेल जब तक होगा नहीं तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। इससे इत्तेफाक आप रखते हैं या नहीं रखते हैं? जरूर इत्तेफाक रखते हैं, केंद्र सरकार हमारी हरियाणा में सरकार है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है और हमारे दोनों सरकारों द्वारा पूरे प्रयास किए जाते हैं। देखिए फरीदाबाद में AQI लेवल भी उसी डेंजरस जोन में है और ग्रेटर नोएडा में भी है, तो संबंधित सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन उसके लिए 16 करोड़ का विज्ञापन थोड़ी छपाएंगे कि नहीं जी हम देखिए इतना कर लिए, सरकारें अपना काम कर रही है। केंद्र सरकार की जो नीति है, जो बड़े बड़े सोलर अलायंस कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो फसल फ्यूल या जो पोल्यूशनकारी जो डीजल की जलन है वो कम हो और एक बड़ा अप्रोच हो, लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन हो, ना कि शॉर्ट टर्म लॉकडाउन लगा करके कोई। चलिए आपको तो फिलहाल लॉकडाउन की एक जो कॉन्सेप्ट दिल्ली सरकार के द्वारा अख्तियार किया जा रहा है, हालांकि अभी वर्क फ्रॉम होम को उन्होंने अडॉप्ट किया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और एसेंशियल सर्विसेज छोड़ करके ट्रकों की आवाजाही भी पूरी तरह से अब रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लेकिन आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि आपको लगता है कि लंबे समय से कोरोना से पहले से ही प्रभावित थे, अब अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाएगी तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैभव जायसवाल साहब का मैं रुख कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी से हैं। वैभव जी, आपने प्रदीप जी के तमाम दावे, तमाम आरोप जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के लगाए गए कि दिल्ली सरकार पूसा से जो सॉल्यूशन खरीदती है उसकी कीमत मात्र 40,000 होती है, विज्ञापन पे 16 करोड़ खर्च कर देती है, अगर संजीदगी के साथ में लोगों को जागरूक करने का काम बेहतर तरीके से किया गया होता तो शायद स्थिति ज्यादा बेहतर होती, बनस्पत की विज्ञापन पर आप सिर्फ प्रचार में खर्च करते, ये आरोप लगाए गए हैं आप। मैं प्रदीप जी से कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली की शक्तियों को छीनने की वक्त आते हैं तो ये सेना लगा के दिल्ली की शक्तियों को छीन लेते हैं, क्योंकि वहां पे इनको अपना लाभ दिखता हुआ है, जनता के लाभ से इनको कोई सरोकार नहीं है, ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। जब दिल्ली के अंदर किसी काम को रोकना होता है, काम करना नहीं होता रोकना होता है, तो दिल्ली का बॉस LGIA ये बयान देते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे पीछे के दरवाजे से चुनी हुई सरकार को कमजोर करके LG को दिल्ली का बॉस बना दिया जाए, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो मैं पूछना चाहता हूँ इनके 7 सांसद दिल्ली में है, आखिर उनकी क्या जिम्मेदारी है? केंद्र, दिल्ली जो शासित राज्य है उसमें केंद्र का भी हिस्सा है, केंद्र भी बहुत सी चीजों को नियंत्रित करती है, आखिर केंद्र ने क्या कदम उठाए? हमने कोई कदम नहीं उठाया,
हमारी जिम्मेदारी है, हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र की भी एक भूमिका है, यहाँ तू-तू मैंने का वक्त नहीं है, यहाँ वक्त है कि अभी तत्काल आप जो दिल्ली की जो समस्या है ये हर साल एक समय निर्धारित समय में बार बार सामने देखने को आती है, तो आखिर ये समस्या क्यों रही है? लेकिन वैभव जी, वैभव जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी तो है कि पराली को जिसको मेन कंट्रीब्यूटर आपकी पार्टी दावा करती है या फिर आपकी सरकार दावा करती है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पराली तो बहुत छोटा कंट्रीब्यूटर है दिल्ली की आबोहवा को जहरीला बनाने के लिए। नहीं, प्रीति जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं ये समझने का विषय है और इससे भी एक गहन अध्ययन होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने सरकार की बात करें तो क्या हमने भारत का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में नहीं लगाया? दूसरा ककर टूमा में लगाया जा रहा है। उसके बाद अभी आपको बता दूं कि जब से ये समस्या उत्पन्न हुई है उसके पहले से कम 20 मोबिलाइज मतलब गाड़ियों पे स्मॉग टावर जो है वो लगा करके छिड़काव। लेकिन प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी टिप्पणी भी सुन लेते हैं प्रदीप जी। प्रीति जी, ये जो 16 करोड़ विज्ञापन में खर्चा हुआ है ना, अगर इसको खाली दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने में खर्चा किया जा गया होता समय से पूर्व, दरवाजे पे जब बारात आती है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जब दरवाजे पे बारात आती है तभी इनको क्यों याद आता है? 500 आदमियों का खाना बनवाना है जहाँ पे कैटरिंग की जरूरत है और वहाँ पे आप प्रेशर कुकर में दाल बना रहे हैं, स्मॉग टावर लगा करके ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। 7 सालों से वही रोना, कुछ नया एक्सक्यूज लेकर आइए, हर बार वही रोना, काम नहीं करने दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को यही दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट को, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे फिर बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा किया जा रहा है। और नतीजा जो दिल्ली गैस चैम्बर में है, जिससे हम और आप जूझ रहे हैं, और बल्कि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR कहा जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि हम सब इस श्रेणी में आते हैं। मुरारी जी का मैं रुक कर रही हूँ, मुरारी जी का रुक करूंगी, लेकिन संजय कुमार जी का पहले मैं रुक कर लेती हूँ। संजय जी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस विषय को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्थितियां वही हैं दिल्ली को लेकर के या फिर दिल्ली NCR को लेकर के। जो मैकेनिज्म इस वक्त अख्तियार किया जाना चाहिए उस पर तो बात हो ही नहीं रही है। दरअसल हो क्या रहा है, इन्होंने विज्ञापन में खर्च किया या इन्होंने ये नहीं किया, यही राग अलापा जा रहा है। नतीजा ढाक के तीन पात, कोई मैकेनिज्म नहीं। इतने साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को भी और केंद्र में बीजेपी भी है, तो जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है ना। ये दोनों जो प्रतिनिधि हैं पार्टियों के, उनको पता होगा कि पर्यावरण किसका विषय है जी। क्या पर्यावरण केंद्र का विषय नहीं है या पर्यावरण राज्य का विषय नहीं है? हम लोगों ने पहले जल को प्रदूषित किया, अब सांस पर पहरा है, हवा को भी हमने प्रदूषित कर दिया है। समाज और सरकार दोनों को साथ में मिल करके इस पर काम करनी होगी। अगर आप पार्टी कह रही है कि मौसम बदलेगा मतलब बारिश होगी, हवा चलेगी, तो ये जो डस्ट हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल होंगे। आप तो केवल AQ की बात कर रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स ही नहीं, 2.5 पार्टिकुलेट मैटर पर हम लोग बात कर लें, 10 पार्टिकुलेट मैटर पर बात कर लें, नाइट्रोजन ऑक्साइड पर बात कर लें, सल्फर ऑक्साइड पर बात कर लें, ओजोन पर बात कर लें। दिल्ली अलार्मिंग स्थिति में है और ये तो विश्व का डेटा है कि 70 लाख लोग हर साल इस पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं, इसमें 6 लाख बच्चे हैं। और जो दुनिया के 10 प्रदूषित शहर है, उस 10 प्रदूषित शहर में 6 भारत में है जी। इसलिए आप इसको राज्य और केंद्र में बांट करके न देखें। कोई भी वेलफेयर सरकार के लिए एक कहीं ना कहीं से एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि क्या लोगों की जान से भी बढ़कर के आपकी राजनीति है। अगर आपने इस पर कोई काम नहीं किया, आप तो आप ही तो डिस्प्ले कर रही है कि जो स्टबल बर्निंग है उसका रोल मात्र 10% है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है, जो डस्ट के वजह से जो पॉल्यूशन है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या पुरानी गाड़ियों को अपने ही रोक सकते हैं? CNG बसें जो आज आपकी सरकार कह रही है कि हम इतना हायर करेंगे और हायर कर करके हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्या ये पहल पहले सरकार नहीं कर सकती थी? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जब एक बार लंग्स में चला जाता है, हमें आपको पता भी नहीं है
कि वो पर्टिकुलेट मैटर हम लोग ले रहे हैं और वो एजमा ब्रोंकाइटिस से लेकर के लंग्स फाइब्रोसिस तक करा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोरोना के जो मरीज हैं वो तो पहले से ही जूझ रहे हैं सांसों के लिए, और अगर उसके बाद वातावरण इतना दूषित हो तो उनके लिए तो वाकई स्थिति इस वक्त प्राण घातक से कम नहीं है। मुरारी जी का मैं रुक कर रही हूँ। मुरारी जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिली, और फिर चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को जिस तरीके से फटकार लगाई गई, उनके मैकेनिज्म को लेकर के जिस तरीके से सवाल किया गया, आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थितियां पहले से बेहतर नहीं हो सकती थी? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को बार बार नाराजगी जाहिर करनी पड़ती है या इस तरह के विषयों पर उसको इंटरवीन करना पड़ता है? ये तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। ये स्थितियाँ पहली बार तो पनप नहीं रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं, कई सालों से ये स्थितियाँ पनपी हुई हैं, और आज की ऑब्जर्वेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रीति, ये आपको ध्यान होगा, ये हरेक साल का इशू हो गया, ये मींस कि एवरी ईयर ये प्रॉब्लम हो गई है, और पहले से ही गवर्नमेंट को ध्यान रखने की जरूरत है। जी, पहले से ध्यान रखने की जरूरत है, और आज जो स्थिति पैदा हो रही है इसके लिए दोनों ही सरकार जिम्मेवार है। संजय जी के बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि प्रदीप जी और हमारे जायसवाल जी दोनों एक दूसरे को डिफेंड करने में लगे, ये हर साल का रेगुलर अफेयर हो गया है। आप पहले से ही एडवांस पे क्यों नहीं तैयारी करके रखते? आपको तैयार करके रखना होगा, ये हर बार ये मामला चीफ जस्टिस के यहाँ जाएगा, और आपको ध्यान होगा पिछले साल भी गया था, उससे पिछले साल भी गया था, और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन खोजने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है। प्रदीप जी, केंद्र सरकार के जो भी योजनाएं हैं, मैंने पिछले डिबेट में एक जिक्र किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना एग्रेसिवली केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर रही है, और उसी दिशा में जो है इसकी सफलता का मापक आप ऐसे मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा व्हीकल जो इलेक्ट्रिक वाले पूरे देश में कहीं रजिस्टर हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं। उनमें वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रफ्तार वाली गाड़ियों की संख्या नहीं आंकी गई है जिनकी स्पीड, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों से संबंधित नियम बनाए, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। अब अगर केंद्र सरकार किसी क्षेत्र विशेष को करके काम करेगी तो ये थोड़ा सा न्याय संगत नहीं होगा। केंद्र सरकार का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है, वो हरियाणा के लिए भी है, वो दिल्ली के लिए भी है, और वो यूपी के लिए भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो रिसोर्सेज राज्य की सरकार द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए कि चलिए ये 3 महीने हैं इसमें कम से कम यूज करें, अभी सीएनजी की बसें किराए पे ली जा रही हैं, यानी जो पिछली बार वो जो दवा छिड़कने के लिए जो 40,000 की दवा थी उसके लिए जो ट्रैक्टर किराए पे लिया गया था, मिल गया है। इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट को भी ये दिखाई देता है कि इस वक्त जो स्थिति है इसमें तूतू मरने करने जैसे हालात नहीं है, हमें कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाना होगा और उस मैकेनिज्म के आधार पर हमें काम करना होगा। आपने कौन सा मैकेनिज्म अख्तियार किया? उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कहा, आपने मना कर दिया कि कोरोना काल से पहले से ही चीजें बहुत ज्यादा असंतुलित हो चुकी हैं, अब इसमें ये फिजिबल नहीं होगा। नहीं प्रीति जी, केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी हैं? केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो केवल दिल्ली राज्य के लिए जवाबदेह नहीं है, उनकी जिम्मेवारी पूरे देश के लिए है। अब अगर वो वर्क फ्रॉम होम करके वर्क इफेक्ट आता है, आप बताइए 1,000 सीएनजी बसों का इंतजाम अभी करना पड़ा। अच्छा, मुझे ये दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में डीटीसी के पास कितनी बसें कम? रोक रही हूँ, एक सवाल पूछ रही हूँ। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, जैसा कि आपने खुद भी कहा था, इनके एक्यूआई लेवल को आपने देखा है? जी, सारे वहाँ के लिए आपने क्या मैकेनिज्म अख्तियार किया? प्रदेश वहाँ की जनता की जिम्मेदारी तो आप ही की है क्योंकि सरकार आपकी है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ की भी सरकार आपकी ही है, वहाँ के लिए आपने कौन सा मैकेनिज्म अख्तियार किया? चलिए ठीक है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ पर तो आप ही की जनता है। जो सोल्यूशन केंद्र निकाल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खाली दिल्ली के लिए नहीं है, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए भी है। जो सोलर अलायंस है, जो सोलर से विद्युत पैदा करने का है, जिससे कि कोयले या उस पे पेट्रोल या डीजल पे जो जनरेटर्स बनाने की जो, या उससे जो पोल्यूशन फैलने की, उनकी जो रोकने के लिए जो योजना है वो
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए भी है। अब ये 12 महीने चलने वाली योजना है प्रीति जी, केंद्र सरकार की योजना, क्षणिक नहीं होती कि आई तो पानी छिड़कवा करके जमुना जी में थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी सपोर्ट दे दिया कि झाग दिखाई नहीं देगा तो कोई पोल्यूशन पे बात नहीं करेगा। केंद्र सरकार की योजना है, सतत चलने वाली योजना है। लेकिन 13 लाख रुपए ट्रैक्टर का किराया देना, उससे तो एक नया ट्रैक्टर आ जाता। ये जो मिसयूज है रिसोर्सेज का, हमारी आपत्ति उस पे है। रिसोर्सेज के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं वैभव जी, अगर जवाब तो देना होगा। पहले ये जवाब देते हैं कि भारत के अंदर हर पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री जी की नमस्कार करते हुए फोटो किस लिए लगाई जाती है, ये इसका जवाब दे दो प्रदीप जी। अगर ये टूटू मैमे पे आना चाहते हैं इस डिबेट को लेकर के, तो मैं अभी और अनगिनत बातों पे नहीं जाता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की फोटो उज्ज्वला योजना में घर घर और गरीबों तक सिलेंडर पहुंचाने को लेकर के लगाई गई है। झूठे प्रचार के लिए नहीं लगाई है, उन राज्यों में नहीं लगी है जहां चुनाव होने वाले हैं। उज्ज्वला योजना से गरीब महिला को धुएं से पोल्यूशन फैलाने से मुक्ति मिली, इसलिए लगी है वहां पे। आए हैं इस पे सवाल करने। अरे सर, सवाल करने से पहले 4 बार सोच लिया करो। उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को फेफड़े बचाने के लिए पोस्टर लगी है, वो की नीति अपनानी चाहिए। आप टूटू मैमे की नीति पे आ रहे हो। अगर हम सीएनजी बसों का सहयोग मांग रहे हैं, ठीक है, सीएनजी की बसें अभी क्यों लगाए? डीटीसी तो केजरीवाल जी के हाथ में, क्यों नहीं? वैभव जी, इस चीज का जवाब तो हम भी चाहेंगे कि ये जो पोल्यूशन की समस्या है, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में पहली बार ये समस्या जो है अचानक से उठ खड़ी हुई है। बीते कुछ सालों से हम लगातार जूझ रहे हैं, और D1 जैसे कॉन्सेप्ट आपकी ही पार्टी लेकर के आई थी। तो जब ये समस्या हर साल हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, और उसके बाद भी सीख नहीं लेते, कुछ समझते नहीं हैं, और किसी ऐसे मैकेनिज्म को परमानेंटली हम इख्तियार नहीं करते हैं, तो ये स्थितियां तो फिर भी रहेंगी ना। ये 30 नवंबर तक आप डेट बढ़ा देंगे, आप एक बारिश होने का इंतजार कर लेंगे, मौसम के करवट लेने का इंतजार कर लेंगे, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? ऐसा भी तो नहीं जा सकता है ना। अगर हम कुछ करने का प्रयास, विज्ञापन जरूर छपवाया जा सकता है, तत्काल राहत आखिर जनता को दिया कैसे जाएगा? अगर इस समय गैस चैंबर दिल्ली बन गया है और ये हमारी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी से नहीं भागते, जिम्मेदारी से भाग जाएंगे तो अगले दिल्ली की जनता प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनके साथ सांसद दिल्ली में क्या कर रहे हैं कहीं दिखेंगे भी नहीं, लेकिन जलेबी खाते हुए इनका सांसद दिख जाएगा, क्रिकेट के मैच में कमेंट्री करते हुए इनका सांसद दिख जाएगा, और फिर एक ट्वीट कर देगा कि दिल्ली आज चैंबर बन चुकी है। आप कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, वो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम फिजिबल नहीं है, कैसे समाधान निकले? नहीं, क्यों नहीं विजिबल है? पूरे कोरोना टाइम में हमने देखा कि कैसे वर्क फ्रॉम होम से ही हमने सारे कामकाज किए। आज अगर एक समस्या आ गई है और अगर हमने रिक्वेस्ट किया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, और उससे अगर हम कुछ भी किसी भी परसेंटेज में, मैं उसका कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं, अगर गाड़ियों को रोक करके अगर हम किसी भी तरीके डीटीसी आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, 1000 बसें किराए पे लेने का क्या दुख है? 4 महीने पहले क्यों नहीं नीच से जगे थे, अभी क्यों सीएनजी की बसें किराए पे ले रहे हैं? संजय जी, का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। संजय जी, आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस तरह की स्थितियों को पहले भी दूसरे विषयों पर देखते रहे हैं, जब केंद्र और दिल्ली सरकार ऐसे ही किसी विषय को लेकर के न सिर्फ आपस में लड़ भिड़ जाती है, समाधान कभी नहीं निकल पाता है। होना क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है, लेकिन जिस तरीके से अगली सुनवाई तक का समय दिया गया है, आपको लगता है कि इस तरह से तूतू मैमे के बाद में समाधान हम निकाल पाएंगे, या फिर मौसम के करवट लेने का ही इंतजार करना होगा? नागरिक तो हैं, पार्टी तो बाद में है, या पार्टी के सदस्य या पार्टी के प्रति जिम्मेवारी लोग बाद में लेंगे, एक नागरिक तो सब लोग हैं। और जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का आ रहा हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का आ रहा हो, ये पॉल्यूटेड शहर में लोगों का जो लाइफ स्पान है वह 7 साल घट गया है। अगर उस पॉल्यूटेड एयर में आप रहते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है। तो आप पहले तो रिमेडी की बात करें, ठीक है, वर्षा अगर नहीं हो रही है तो आप आर्टिफिशियल रेन के बारे में केंद्र के साथ मिलकर के कोई बात तो कर सकते हैं कि हम लोग कृत्रिम बारिश कराएं और करा करके ताकि वो सेटल करे, हवा कैसे उस इलाके में तेज चले, कैसे एक झोस से हम उस इलाके को थोड़ा क्लीन करें, इस पर तो बात हो सकती है। लेकिन इस पर बात न करने की बजाय हम, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, इससे अभी निदान नहीं निकलने वाला है। और लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूं कि चाइना बगल में है, हमसे ज्यादा प्रदूषित बीजिंग था, और बीजिंग में लोग गैस का सिलेंडर पॉकेट में लेकर के चलने लगे थे, वहां बोतल में ऑक्सीजन बिकने लगी थी। बिल्कुल, अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं आए हैं। जब बीजिंग उस स्थिति से निकल सकता है
तो क्या दिल्ली उससे बाहर नहीं निकल सकता है? उस पर काम करने की जरूरत है। यहां पर आरोप प्रत्यारोप या केंद्र की सरकार ने ऐसा की, राज्य की सरकार ने ऐसा की, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि एक कोऑर्डिनेशन बने और उस कोऑर्डिनेशन से एक एग्जाम्पल भी दी और बताया कि स्थिति से हम बाहर निकले। बीजिंग की अगर बात की जाए तो वहां पर स्थिति हमसे बहुत ज्यादा बदतर थी। पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा, हालांकि उपाय किए गए, मौसम बदलने के बाद वो उपाय उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होते, स्थितियां अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सीख किसी ने नहीं ली। लेकिन राइट टू ब्रीथ, ये तो हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार है ना, लेकिन वो भी हमारी सरकारें हमें नहीं दे पा रही हैं। एक आम नागरिक क्या करे? ऑडियो नहीं आ पा रहा है इनका। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप जी, मैं ये देखिए, उन पे आरोप नहीं, मैं इसको अन्यथा ना लिया जाए, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा और जो स्थिति है उससे तो वाकिफ हम सभी ही हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की बसें चलती हैं, दिल्ली सरकार की जी 1000 बसें अभी किराए पे ली गई हैं, ठीक है। उनका कितना एक्सचेकर पे कितना बोझ पड़ेगा, जितना किराया दिया जाएगा उससे उतने ही कीमत में बसें सर, तो आप बंद भी नहीं होने देंगे, दफ्तरों को क्लोज भी नहीं करने देंगे, कहते हैं फिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ इन मैकेनिज्म्स को इख्तियार करना ही पड़ेगा ना। फिलहाल तो इस स्थिति से दो चार होने के लिए कोई एक सोल्यूशन लाने की जरूरत है। आपको इस पर भी आपत्ति हो गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को 24 तारीख को एक बार फिर से इस विषय को सुनना है। देखना यही है कि ये जो बहस है ये किसी सही विराम तक पहुंच करके जनता को राहत देगी, इस समस्या से निजात दिलाएगी, या फिर तूतू मैमे की लड़ाई जारी रहेगी और दिल्ली वाले या दिल्ली एनसीआर की जनता सांसों के लिए राम भरोसे रहेगी। बड़ी बहस कार्यक्रम में आप तमाम मेहमान जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुरारी तिवारी जी, हालांकि ऑडियो इशू रहा लेकिन आपसे बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार और वैभव जायसवाल साहब चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ सहारा बना।